तो देख सकते हो ब्रीजा का, जैसे आपको पता है बेस वेरिएंट का बम्पर बिल्कुल सिंपल आता है, जिसमें हमारी एक तरह से जो टॉप मॉडल के में आती है एक्सेसरी वो लग रहा है आगे बम्पर पे। इसको बेसिकली हम एक तरह से मूछ भी कहते हैं इसको। इंस्टॉलेशन वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ब्रेजा बेस टू टॉप कन्वर्जन किया है, कहाँ रखे हैं बोर्ड आप देख सकते हो, भगवती मोटर्स करोल बाग। और आज वाली ब्रेजा में क्या क्या रहने वाला है हम आपको बताते हैं। तो ये बात करते हैं आज वाली ब्रेजा में क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले बता दूं, ये हमारी जो ब्रेजा है बेस वेरिएंट रहने वाली है, LXi पूरा ही इसमें काम हुआ है। अब आपको मैं शुरू से लेके एंड तक दिखाता हूँ क्या क्या हमने काम किया है। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं आगे आगे बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो आगे का ये छोटा सा हमारा स्पॉयलर आता है जो टॉप मॉडल में मिलता है, देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, उस समय इंस्टॉल हो रहा था, ग्रे कलर का आता है, वो हमने आगे इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज इसमें आती है, जैसे आगे की हम कह सकते हैं आगे के जो बम्पर की मूछ होती है वो भी अवेलेबल है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं। इसके अलावा आपको अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो भाई ये देख सकते हो, ये हमारी आती है फॉगलेट जो कि कंपनी से नहीं आती, वो भी हमने इसमें इंस्टॉल की है। और इसके अलावा इसमें जो है हमने फॉगलाइट के साथ साथ इसमें LED भी इंस्टॉल की है। अब आपको हेडलाइट की साइड लेके आते हैं, वहाँ भी हमने कुछ हेडलाइट की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हो भाई, इसके अंदर भी हमने जो LED वगैरह इंस्टॉल की है। अभी आपको ये चीज़ देख नहीं रही होगी बिकॉज प्रोजेक्टर में विजिबल नहीं होता, प्रोजेक्टर तो खैर बेस मॉडल में भी आता है, बट उसमें डबल प्रोजेक्टर है टॉप मॉडल में और इसमें सिंगल प्रोजेक्टर है बेस वेरिएंट में, बट इसमें नॉर्मल हेलोजन आती है, इसमें भी LED हमने कन्वर्ट कर। अब देख सकते हो हमने जो है इसकी LEDs ऑन की है फॉग लाइट की, ये इसकी कुछ इस तरह से फ्रंट प्रोफाइल आ रही है। अभी मैं आपको इसकी हेडलाइट्स भी ऑन करके दिखाऊंगा। अब आउटपुट क्वालिटी की बात करें तो वो भी मैं अगर आउटपुट क्वालिटी की बात करें तो इस तरह कुछ आउटपुट क्वालिटी आ रही है, जहाँ पे हमने यहाँ पे जो है 90 वॉट की जो है LED डाली नीचे। और अब आपको ऊपर जो हेडलाइट में हमने LED इंस्टॉल की उसका भी आउटपुट दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे कि हमने ऊपर वाली LED भी स्टार्ट कर दी है, ऑन कर दी है, जो हेडलाइट में हमारी LED लगी 130 वॉट की जो है LED डाली गई हमारी ऊपर वाली हेडलाइट में। और अब आपको इसकी आउटपुट क्वालिटी तो मैं चेक करा ही रहा हूँ, बट आपको एक बार फिर से इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाते हैं कैसे हमारी गाड़ी लग रही है। बात करते हैं तो कुछ इस तरह की फ्रंट प्रोफाइल आ रही है ब्रेजा की, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो साइड में पार्किंग लाइट जो होती है उसको अगर वाइट करवाना चाहो तो वो वाला ऑप्शन भी अपने पास अवेलेबल है, बट जिस कस्टमर की गाड़ी थी उन्होंने वाइट नहीं करवाई तो उस हिसाब से हमने इसको नॉर्मल हेलोजन में ही रखा है। बट स्टिल अगर बात करें, अगर आपको उसमें करवाना है वाइट तो वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बाकी मैं भी रेकमेंड करूँगा कि आप उस चीज़ को वाइट कराओ तो एक थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है, एक तरह से जो फ्लो बना आ रहा है वो एक कंटिन्यूशन में रहता है। अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आपको लेके आते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स, ये वाले तो बेस वेरिएंट में भी आते हैं, एडजस्टमेंट वगैरह भैया ने नहीं करवाया इसमें। फोल्ड आ गया है हमारा, ऐड हो गया। अच्छा अच्छा, तो इसमें नहीं डाला ना हमने अभी, इसमें मिरर फोल्ड ऐड हुआ है। अच्छा, कर दिया है। इसके अंदर एक ये साइड बीडिंग ओरिजिनल MGB की है। ओके, ये देख सकते हो आप, ये साइड गार्निश है। हाँ जी। उसके बाद जो अंदर से हमारा है इसमें एम्बियंट लाइट्स, ये ओरिजिनल फुटस्टेप्स हैं। ओके, ये देख, ये ओरिजिनल जो है टॉप मॉडल में ऐसे देखने को आपको मिले होंगे। ठीक है जी। स्टीयरिंग रैप आप देख सकते हैं इसमें, ओरिजिनल आर्मरेस्ट है। ठीक है जी, ये ओरिजिनल आर्मरेस्ट। तो इसमें तो मतलब वो चार्जर वगैरह भी एक्टिव करके देते हैं। साइड से एक बार आप गाड़ी देख लो, चेकआउट कर लो साइड से, क्योंकि अब मैं आपको अंदर के साइड लेके जाने वाला हूँ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ वर्ड्स कि हमने सबसे पहले साइड बीडिंग आप देख सकते हो ओरिजिनल जो है ये मारुति की रहने वाली है, ये ओरिजिनल साइड बीडिंग है। इसके अलावा अगर हम आपको इधर लेके आते हैं तो ये विंडो गार्निश आप देख सकते हो, ये लगी यार टेप लगी हुई, अभी हटा देंगे। ये आप देख सकते हो क्रोम, इसकी कुछ वारंटी वगैरह भी होती है ऐसे? अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी। 304 स्टील है। ओके, प्रॉपर स्टील है। अंदर आते हैं तो जो हम बात कर रहे थे, तो मैंने स्पेशली लाइट ऑफ करके आपको दिखाई, और ये जो हम MA लाइट यूज करते हैं इतनी प्रीमियम है आपके हाथ में नहीं आएगी, देखो पता ही नहीं चल रहा। अब इसमें कलर चेंजिंग मोड में हमने इसको ऑन किया हुआ है, बट अगर बात करें आप एक पर्टिकुलर कलर पे इसको रोकना चाहते हो तो वो वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्रोम भी आना है, हैंडल्स डाले। उसके अलावा ये अंदर जो लाइट्स आती है ये पूरा सेट है क्या इसका? MA लाइट का इधर भी है आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको हैंडल्स वाली साइड में मिलेगा, ये देख सकते हो, ये हैंडल क्रोम इसमें जो है। ओके, ठीक है जी। बाकी अब आपको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं गाड़ी के और अंदर की साइड, क्योंकि हमने सीट कवर्स में डाले। इसमें स्टेयरिंग कवर आप देख सकते हो बिल्कुल OM वाला रैप किया गया है। ये आप देख सकते हो रूफ लाइट जो है
हमने लगा दी टॉप मॉडल वाली। बाकी इसमें अगर आप वाइट लाइट करवाना चाहते हो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, कस्टमर की चॉइस नहीं थी तो हमने वाइट लाइट नहीं की। तो जी ये देख सकते हो इस तरह का कुछ हमारा जो है स्टेयरिंग रैप हुआ है। क्वालिटी आप देख सकते हो स्टिचिंग की, प्रीमियम क्वालिटी हम यूज़ करते हैं फैब्रिक की, प्लस स्टिचिंग की आप देख सकते हो क्वालिटी का हम पूरा ध्यान रहता है हमको, क्योंकि हमारा यही होता है जो कस्टमर आ रहा है उसको जो है बिल्कुल ए क्लास क्वालिटी दी जाए। आप देख सकते हो बिल्कुल फैब्रिक की बात करें या हम स्टिचिंग की बात करें, मैं आपको ना पूरा एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ सो देट आप देख सकते हो कि प्रॉपर देखो कितनी सिमेट्री में है। अगर उस चीज़ को बिल्कुल ही सीधा लेके जा रहे हैं, कुछ फालतू की जो है थ्रेड कहीं बाहर नहीं निकल रही या हम कहें तो कुछ एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा, बहुत ही उसको जो है प्रीमियम क्वालिटी जो है हम यूज़ करते हैं। ये कंपनी फिटेड सिस्टम आता है इसमें, बट हमने इसमें रिवर्स कैमरा जो है इंस्टॉल किया है। अब मैं आपको ये देख सकते हो ये हमने रिवर्स गियर डाल दिया और कुछ इस तरह के जो है क्वालिटी रहने वाली है कैमरे में, क्योंकि कंपनी से इसमें कैमरा नहीं आता, हमने जो है अच्छी क्वालिटी का कैमरा डाला और पूरा अंधेरा हो चुका है। उसके बाद भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया आउटपुट जो आपको मिल रहा है। आप देख सकते हो कि गाड़ी की कितनी अच्छी प्रीमियम फील आती है एमए लाइटिंग से, और इसमें कलर चेंजिंग मोड्स भी मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा जो हमने सीट कवर्स डाले हैं ये प्योर बकेट है, ओरिजिनल बकेट हम जिसको कहते हैं। ये आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इंटीरियर के साथ उनको मैचिंग चाहिए, ब्लैक इंटीरियर आता है ब्रीजा में जैसे आपको पता है, तो उसी के साथ हमने जो है मैचिंग रखा है इसको। बाकी वारंटी की बात कर, बाकी 3 से 4 साल तक कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। उसके अलावा हमारे एंड से भी 3 साल की आपको वारंटी मिलती है सीट कवर्स की। और इधर आपको लेके आते हैं तो ये हमने जो है इसमें 70 मैट। उसके अलावा ये देख सकते हो जेड एक्स आई जो आर्मरेस्ट देती है वो वाला आर्मरेस्ट हमने जो है एक गाड़ी में डाला है। ये देखो विद एक्सटेंशन, ये देख सकते हो एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है जी। और अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी की रेयर साइड पे भी आप देख सकते हो ये हमारी एमए लाइटिंग वगैरह इस तरह से रहने वाली है। उसके अलावा फुट लाइट भी हमारी लगी है, पूरा सेट आता है जिसमें हमारे डोर्स हैंडल्स और फुट लाइट कवर होते हैं, ठीक है जी। ये हमारे सीट कवर्स आप देख सकते हो इस तरह के सीट कवर्स वगैरह रहने वाले हैं गाड़ी में, ठीक है जी। अब आपको और रेयर पे लेके चलते हैं क्योंकि डिक्की ट्रे भी हमने इंस्टॉल की है वो मैं आपको दिखाता हूं। प्लेसमेंट आप चेक कर सकते हो वही लोकेशन पे किया गया जो ओएम वाला कंपनी से मिलता है। पहले जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूँ ये पीछे आप देख सकते हो बम्पर के पीछे का भी सिल्वर वाला जो पार्ट आता है जो टॉप वेरियंट में हमको देखने को मिलता है, ये भी ओरिजिनल मारुति का जो इंस्टॉल किया है हमने। अब आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं। जी ये देख सकते हो ये जेन्युइन डिक्की ट्रे हमारी मारुति की रहने वाली है। तो ये जो है सारा काम हुआ है हमारी ब्रेजा में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और फिर से हम आपको लोकेशन दिखा दें। कहाँ रखे जी? भगवती मोटर करोल बाग। आप भी आ सकते हो अपनी गाड़ी का काम करा सकते हो, हमारे पास सभी गाड़ी के जेन्युइन पार्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा इधर आते हैं तो डिक्की लाइट भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है स्वीडन में डिक्की लाइट नहीं मिलती, वो भी हमने इंस्टॉल की है। इसके अलावा अगर आप वाइट लाइट करवाना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी हो जाएगा, कस्टमर चॉइस थी इसको येलो ही रखना तो हमने येलो ही रखी इसको। ये देखो जी ऑफ कर दी ऑन कर दी, ठीक है जी। तो इस तरह से काम हुआ है हमारी ब्रेजा में, पूरा जो एक एक चीज़ जो इसमें जेन्युइन डाली गई है।